ਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਕਿ ਹਾਲ ਹੈ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਜੀ ਐਸੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ ਚ ਵਿਖਾਇਆ بارش ਹੋਈ ਹੈ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਗਰਮੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਗਰਮੀ ਆਪ ਕਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਥਿ ਵਿਊ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਥੀ बहुत तेज़ बारिश हुई है तो इसके बाद ना मैं ये हांडी बना रही थी और हांडी जो है ना चिकन की बनाई है जैसे कि आप देख रहे हैं मैं फ्राई कर रही हूँ तो वो तो मैं नहीं सिखाऊंगी कि कैसे हांडी बनाई क्योंकि मैंने पिछले व्लॉग में भी हांडी बनाना बताई थी कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ तो वो मैं हांडी बना रही थी और अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ पूरा ज़रूर देखा कीजिए और दूसरा वीडियो को भी लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए तो फाइनली मेरी हांडी बन गई थी वैसे इतनी जल्दी से हांडी बनती होती ना तो कितना मज़ा आता हम लेडीज़ के लिए आराम से एक मिनट में हांडी बन जाती है और कितना अच्छा लगता मतलब तेज़ तेज़ तेज बस दो मिनट में हांडी बन गई लेकिन बहुत मेहनत से बनता है सब कुछ तो मैंने हांडी बना ली थी ये शाम का टाइम था ना शाम की हांडी बनाई थी आप थोड़ी सी बनाती हूँ जो ताज़ा हो क्योंकि वो मतलब बच्चे ही नहीं खाते बच्चे थोड़ा सा खाते हैं बस तो इसलिए थोड़ी सी हांडी बनाती देज की मेरी काफ़ी बड़ी है लेकिन हांडी थोड़ी सी बनती है बीच में तो मैंने हांडी बना ली थी जैसे कि आप देख रहे बहुत अच्छी लग रही थी और मज़े की भी बनी है बहुत मज़े की बनी है तो जी इसके बाद जी ये मॉर्निंग का टाइम है सुबह का टाइम आज मेरी ये मैं दिखाने लगी हूँ सुबह की रूटीन जो मैं सुबह सुबह उठ के जल्दी जल्दी काम करती हूँ तो मैं सुबह सुबह उठी हूँ और सबसे पहले मैंने मतलब आटा गूँधा है नहीं वो प्रॉपर रूटीन तो मैंने नहीं बताई कि सुबह सुबह उठ के मतलब कितने सारे काम करती हूँ ये उसके बाद किया मतलब बच्चों के स्कूल जाने का टाइम है ये वाला तो इसमें फिर मैंने मतलब उठ के आटा गूँधा था और बर्तन वगैरह वॉश किए जो किचन में पड़े थे थोड़ा बहुत खलारा पड़ा था ना क्योंकि रात में जो भी उठता है वो किचन में खलारा तो ज़रूर खलारते हैं बच्चों की तो बस फिर ऐसे ही होती वो तो जहाँ जहाँ चीज जो चीज़ जहाँ मिली वहीं रख दी लेकिन मैं साथ साथ समेटती रहती हूँ मतलब तो फिर यही बात है कि जब मैं लेट जाऊँ तो फिर फिर मेरे से बार बार उठा नहीं जाता और इसलिए फिर मुझे सुबह सुबह उठ के जो थोड़ा बहुत काम होता है ना वो सुबह सुबह उठ के करना पड़ता है तो इसके बाद ही मैंने आटा गूँधा था तो मैंने कहा चल अब बच्चों को उठाती हूँ क्योंकि बच्चों को सुबह सुबह उठाना बहुत मुश्किल होता है ख़ास करके असनैन को अली तो फिर भी उठ जाता है लेकिन जो असनैन साहब है ना उनको उठाना बहुत मुश्किल होता है तो इसलिए उस पर थोड़ा सा मेरा टाइम लगता है तो फिर मुझे जल्दी उठना पड़ता है कि मैं जल्दी जल्दी नाश्ता बना लूँ क्योंकि उसने लास्ट तक उसकी तैयारी नहीं ख़त्म होती और ये डेली लेट हो जाते हैं स्कूल जाने से क्योंकि उसकी आदत है तो मैं उठाने जा रही थी और जितने में मैं उठाने जा रही थी ये मेरा बेटा बहुत अच्छा है अल्लाह पाक इसकी ज़िंदगी करे अल्लाह पाक इसको मेरे सर पे हमेशा सलामत रखे जाओ अल्लाह पाक से मेरी ज़िंदगी भी लगाया हम माएँ तो ऐसे ही अपने बच्चों को दवाएँ देती हैं तो ये बहुत अच्छा है नेचर वाइज बहुत अच्छा है इसे मैंने मतलब मुझे जगाने की जरूरत नहीं पड़ती और ये खुद ही उठ जाता है और इसे जैसे मेरा मतलब किचन में बर्तनों का शोर आया और ये उठ गया और कमरे का हाल देखो क्या हुआ पड़ा कमरा बहुत गंदा क्योंकि सोते हैं ना सारे फिर इधर उधर चीज़ें फेंक देते हैं तो ये तो सब घरों का हाल होता है कि बच्चे बस बच्चे उन उनको कोई टेंशन नहीं होती कि खिलारा पड़ा ये असनैन साहब नीचे सोए हुए हैं और हालत देखो ऐसे सोए हुए हैं जैसे सब कुछ बेच बाज के तला भी सो रहा था और मेरा दिल होता है कि तला के उठने से ना मैं मतलब सारे काम खत्म कर लूँ उसके बाद तला ने भी उठ जाना होता जब सब उठते तो तला उठ गए जैसे कि मैंने आपको बताया था और ये तो मेरी बचपन की यादें हैं मैं खुद ऐसे मतलब मेरी मम्मा खाना बनाती थी सुबह सुबह हम लोग जब स्कूल जाते थे ना ऐसी हमारी मम्मा भी रोटियां बनाती थी आग वाले चूल्हे मतलब आग मचा के ना वो लकड़ी वाले चूल्हे पे तो वहाँ पे अम्मी जो है ना बनाया करती थी नाश्ता और हम सारे बहन भाई बैठ के खाया करते थे और ऐसे ही अमें भी अम्मी ना अपने पास बैठा लेती थी लेकिन वो हम लोग नीचे बैठते थे, थे चटाई थी उसके ऊपर हम सब बहन भाइयों ने बैठ जाना और इतना मज़ा आता था खाना खाने का मतलब जब तला बैठता है ना मेरे पास तो मुझे वो एक अलग ही खुशी होती है बड़े जो है ना वो तो अपने कामों में लगे होते क्योंकि उन्होंने स्कूल जाना होता है वो अपनी तैयारियाँ कर रहे होते हैं और ये वाला जो है ना ये मैं मैं ऐसे नहीं कहती ये मेरी ज़िंदगी में एक अलग ही इसकी रौनक है मेरे मोबाइल का रिजल्ट बहुत गंदा है और एक रोशनी कम होती है तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा वीडियो अच्छी हो जाएगी अल्लाह पा खैर करे अल्लाह पाक मेरा चैनल चलाएगा ना मैं अच्छे वाला मोबाइल ले लूँगी तो फिर वीडियो का रिजल्ट बहुत अच्छा और जो दूसरा नया घर बन रहा है ना उसमें मैंने लाइटिंग अच्छी करवाई है कि मतलब किचन की लाइटिंग तो खास करके अच्छे अच्छे नहीं क्योंकि हम लेडीज से ज़्यादा जिंदगी तो किचन में ही गुजरती है तो तला साहब मेरे पास बैठे थे और मम्मा मज़े से खाना बना रही थी और वो तो एक अलग ही उसकी रौनक होती है उसकी एक अलग ही मतलब बस अल्लाह पाक ने उसको मेरी जिंदगी में दिया हुआ तो इसके बाद जी मैं जल्दी जल्दी सुबह सुबह पराठे बना रही थी लेकिन मैंने सिंपली पराठे बनाए थे क्योंकि एक एक बच्चे ने पराठा खाना होता है और दूसरे बच्चे ने सूखी रोटी खानी होती है मेरे घर में सुबह सुबह भी सूखी रोटी चलती वो पराठा नहीं खाता दूसरे वाला तो इसलिए मैंने मतलब और घी तो बिल्कुल कहते हैं मम्मा पराठों पर माती लगाओ मतलब वो लच्छा पराठा हो गया वो डिब्बे वाला पराठा हो गया कोई पराठा भी मतलब उनमें ऑयल लगता है लेकिन इन लोगों की यही बात होती है कि हमें ज़्यादा ऑयल वाला पराठा नहीं चाहिए तो इसलिए फिर मैं ना मतलब हल्का हल्का सा वो भी मैं वो बस मना करते रहते मैं कहती मैं भूल गई मैंने लगा दिया मतलब ऐसे करके ना हमारे घर में ना सुबह सुबह पराठे बनते हैं और सिर्फ चार बनते हैं बस चार लोगों के लिए क्योंकि मैंने सुबह तो सुबह खुद 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 तो मैंने नाश्ता करना नहीं होता क्योंकि मैं मैंने वो ब्राउन ब्रेड खाना होता है तो इसलिए मैं मेरे लिए तो पराठा बनता नहीं मैंने तो पराठा नहीं खाती भाई क्योंकि वज़न बहुत मुश्किल से लूज़ की है और मैं नहीं चाहती कि ये दोबारा फिर से बढ़ जाए और मेरी बहनों इस चीज़ पर आप लोग भी कंट्रोल करना कि पराठा खाना छोड़ दो पराठे से वज़न बहुत ज़्यादा गेन होता है लेकिन पता नहीं बच्चों का क्यों नहीं होता बच्चों का इसलिए नहीं होता वो पापड़ खाते हैं वो सलांटियाँ खाते हैं वो मतलब बाहर की गंदी चीज़ें लेके खाते हैं वो उनको वैसे ही अंदर से वो सब कुछ रहता है और हम लोग तो ये चीज़ें खाते नहीं है तो इसलिए हम लोग पराठा खाएं तो हमारा तो सही वाला भाई वज़न फिर गेन होता है तो इसलिए ना अब ये जो दूसरे वाला उसका सूखी रोटी बनी है लेकिन मेरी रोटी फूल के बनती है माशाल्लाह सुबह सुबह भी फूल के रोटियां बन रही हैं तो इसके बाद जी मैंने उनको खाना दिया था मैंने कहा बैठ के खा लो और लड़ रहे थे एक कहता था मैंने पहली रोटी लेनी है एक कहता है मैंने पहली रोटी लेनी मतलब पहली रोटी की हमारे घर में भी लड़ाई चलती है और मुझे पता है ये सबके घरों में बच्चों में खास करके ये लड़ाई होती है, होती है कि मुझे पहली रोटी चाहिए दूसरा कहता नहीं मैंने पहली लेनी है तो मतलब मैंने इनको बना दी दो बना दी थी मैंने कहा मिल के खा लो कोई बात नहीं एक की पहले हो जाए एक की बाद की हो जाए कोई बात नहीं चल खैर नाश्ता तो हो गए इसके बाद जी अली साहब के काम देखें कि मतलब उसने ऐसे नहीं किया कि मैं शूज़ पकड़ के उनको वैसे पॉलिश करूँ पहन के जल्दी जल्दी मतलब जल्दी होती ना और ये लेज़ी बंदे को चेक करें ज़रा उसकी अभी टाई लग रही अभी इसने शूज़ पहनने और एंड तक इसकी मतलब अली की यही लड़ाई होती अली फुल तैयार हो गई इन्होंने मिल के जाना होता ना बाइक पर अली फुल तैयार हो गया लेकिन उसकी जो है ना वो कहानियाँ ख़त्म नहीं हो रही कि मैंने ये करना है मैंने वो करना है ये हमारे घर की सुबह की बहस है और ये बंदा ऐसे दिमाग ख़राब करता है ना हम सब का कि मैं कहती हूँ कि सुबह सुबह इसके पापा जो है ना वो डांटना शुरू कर देते हैं और मैं कहती हूँ चले छोड़ें कोई बात नहीं बच्चा है सुबह सुबह ना डांटा करो अच्छा नहीं लगता सुबह सुबह डांटना इसकी इस चीज़ से हमें बहुत ज़्यादा टेंशन होती है इसके बाद जी सब लोग तैयार होकर खड़े हो गए थे तो वो देखो बेचारा खड़ा हुआ है और उसका जूता जो है ना जान बूझ के कहता है मेरा जूता नहीं पहना जा रहा जान बूझ के कहता जूता नहीं पहना जा रहा मैं कहा बेटा पहना जाएगा जब तू अच्छे से नीयत से पहनेगा ना तो पहना जाएगा फिर वो डांटा है और जाते जाते उसने कंगा कुंगा कोई नहीं किया वो वैसे ही निकल गया वो इतना लेजी है इसके बाद जी ये रात का दूध थोड़ा सा बचा हुआ था तो मैंने कहा चल मैं ये अपने बकरों को पला देती हूँ वो ए बकर मैं बकरे लिए के लिए दूध लेके जा रही थी बकरे रखने का ना घर पे एक फ़ायदा है कि हमारा जो राशन होता है ना मतलब जो हमारी चीज़ें बचती हैं ना खाने से जो रिजक होता है वो ज़ाया नहीं होता अक्सर हम लोग जाके मैं देखती हूँ बाहर पड़े होते हैं दीवारों पर पड़े होते हैं ऐसे ही लोग फेंक देते हैं तो वो बेदबी नहीं होती जो भी राशन मतलब जो भी हमारा वो खाने की चीज़ें जो कुछ भी बचता है सालन बचता है रोटी बचती है माशा सब कुछ खा लेते हैं ये ये बहुत एक बचत हुई है मुझे दिली सुकून है कि हमारा मतलब रिजक ज़ाया नहीं होता वो ख़राब नहीं होता वो सब कुछ मैं इनको खिला देती हूँ क्योंकि अब लाजे बात कुछ चीज़ बच जाए तो हम किसी को तो देने से रहे कोई कोई नहीं खाता आज वक्त ऐसा है कोई पता नहीं कहेगा क्यों दे रहे हैं हमें तो इनको मैं खिला देती हूँ मुझे ये बड़ी दिली सुकून होती है अब ये तला का रात का दूध बचा हुआ था कुछ रात को दूध रखा ना तो वो कुछ बच गया तो मैंने कहा चल इनको पिला देती हूँ तला क्यों देंगे कहीं ये ना उसका पेट ना खराब हो जाए तो इसके बाद जी मैं मैंने कहा चल अब ये तो थोड़े से बर्तन पड़े हैं ना ये खलारा पड़ा इसको समेट देती हूँ और वो देख रहा था दरवाज़े में बैठे मम्मा काम कर रही है और भाई तो चले गए अब हम अकेले थे तो मैंने कहा ऐसा करती हूँ पहले इसको सुला लेती हूँ उसके बाद ये काम कर लूँगी तो फिर जी मैं इसको सुलाने लग गई और अब देखें जी अल्लाह पाक का शुक्र है अली वापस आ गया ये मतलब तकरीबन बारह एक बजे की वीडियो है क्योंकि आज फ्राइडे है ना ये मेरी फ़्राइडे की वीडियो है तो ये जो है अली आ गया था और थैंक यू अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर वीडियो को पूरा देखेगी हाफिज़